करनाल सीट से दो बार सांसद रहे कांग्रेसी नेता अरविंद शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। शुक्रवार को अरविंद शर्मा ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र, हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी बीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। डॉक्टर अरविंद शर्मा के विषय में हम सबके जानकारी में आया है और डॉक्टर अरविंद शर्मा ने देश में जिस प्रकार से एक विश्वासपूर्ण तरीके से निर्णायक नेता के साथ केंद्र में जो सरकार चल रही है, इसको देखते हुए अरविंद शर्मा जी ने करीब करीब ढाई महीने पहले ये इच्छा व्यक्त की थी कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में गरीब के कल्याण के सारे रिकॉर्ड तोड़कर जो सरकार चल रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देना चाहते हैं। आपको बता दें कि पूर्व सांसद अरविंद शर्मा 2014 में कांग्रेस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़े थे और भाजपा के उम्मीदवार अश्वनी चोपड़ा से हार गए थे। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी और बसपा ने उन्हें अपना सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ा था लेकिन बुरी तरह हार गए थे। इसके बाद 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ दी। अरविंद शर्मा के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो वो 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव में सोनीपत सीट से आजाद उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए थे। इसके बाद वो शिवसेना के अध्यक्ष रहे और रोहतक लोकसभा से चुनाव लड़ा, वहां से हार गए। फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और करनाल लोकसभा से 2004 और 2009 में चुनाव लड़ा, दोनों बार जीत हासिल की। तीसरी बार भाजपा के अश्विनी चोपड़ा ने उनके विजय रथ को रोक दिया था। जहां अरविंद के बीजेपी का दामन थामने को बीजेपी धड़ा एक बड़ी उपलब्धि मानते हुए ब्राह्मण वोटों में मजबूत पकड़ करने का दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका करार दे रहा है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए विनोद लांबा की रिपोर्ट।